हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करूंगा अच्छे होंगे। इन्वेस्टिंग जर्नी भी अच्छे तरीके से चल रही होगी। आज हम बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क पर। फिर से ऑडियंस का कमेंट आया है। ऑडियंस है हमारे कमलेश आर्यन। कमलेश आर्यन का कमेंट है कि 15 महीने पहले लिया था 522 का, 522 का लिया था, अब क्या करूँ। वो जानना चाह रहे हैं कि अब क्या करें। तो उनके लिए हम वीडियो लाए हैं। आपकी कोई डिमांड हो, आपकी कोई ख्वाहिश हो किसी भी टॉपिक पर वीडियो के लिए, तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके हमें जरूर बताएं। और ईएमए स्ट्रेटजी पर वीडियो संडे शाम तक आ जाएगी, ठीक है, पब्लिश कर दी जाएगी। ओके, तो शुरू करते हैं। तो स्टॉक में मैं आपको एक ट्रेंड लाइन के माध्यम से दिखाना चाहूँगा। स्टॉक में एक ट्रेंड लाइन है। अभी ये जो ट्रेंड लाइन है, जब तक स्टॉक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर ट्रेड कर रहा है तब तक आपको कोई समस्या नहीं है। स्टॉक में आप होल्ड करिए, ठीक है। बात कर रहा हूँ 522 पर आपने लिया है तो अभी आप ऑलरेडी लगभग प्रॉफिट में, ठीक है, ज़्यादा नहीं, 3 रुपए के आसपास ऊपर है आपके प्राइस से स्टॉक। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्टॉक में 518 के एसएल के साथ होल्ड करेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है। 518 नहीं, सॉरी, 515 के एसएल के साथ आप होल्ड करिए, ठीक है। 515 के एसएल के साथ होल्ड करिए, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है स्टॉक अब आपको एक मूवमेंट देखने को मिल सकता है आने वाले 1-2 दिन में, ठीक है। जब तक इस ट्रेंड लाइन के ऊपर स्टॉक है तब तक तो कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। तो मुझे लगता है स्टॉक में मूवमेंट आएगा। स्टॉक में मूवमेंट स्लो है, बहुत स्लो मूवमेंट कर रहा है स्टॉक, तेजी से ऊपर नहीं जा रहा है, आप देख पा रहे होंगे, ठीक है। लेकिन जब तक स्टॉक यहाँ पे रेंज नहीं काटता है, 515 के नीचे नहीं जाता है, तब तक आपको होल्ड करने में कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, ठीक है। और जो लोग फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं उनके लिए मैं सजेस्ट करूंगा कि अभी वो स्टॉक में एंट्री ना लें, क्योंकि जब आप फ्रेश एंट्री लेना है आपको तो आपको एक ट्रेंडिंग मूवमेंट में घुसना चाहिए, मतलब एंट्री लेना चाहिए जहां ट्रेंड हो, अप ट्रेंड में स्टॉक हो। इस स्टॉक में अगर मैं बात करूंगा, आपको अगर एंट्री लेनी है फ्रेश एंट्री तो 555 के ऊपर लीजिए, लगभग 555 के ऊपर लीजिए, ठीक है। और स्टॉक में 555 के ऊपर एंट्री लेंगे तो ठीक रहेगा। एक मिनट, और 595 रुपए के आसपास का आपको टारगेट मिलने की संभावना है, ठीक है। 555 के ऊपर एंट्री लेंगे तो 595 का टारगेट मिलेगा, ठीक है। और उसके बाद आगे भी स्टॉक में मूवमेंट देखने को मिल सकते हैं। आगे कहां तक स्टॉक जा सकता है, फिर स्टॉक 650 रुपए तक का मूवमेंट आपको दिखा सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे जो हमारे ऑडियंस थे उनका होल्ड है तो वो होल्ड करे रहे, जब तक स्टॉक इस रेंज में तब तक आपको कोई दिक्कत नहीं, फिर ब्रेकआउट होगा, आपको अच्छा प्रॉफिट मिल जाएगा, ठीक है। स्टॉप लॉस 515 का रखें। और जो नए इन्वेस्टर हैं जो फ्रेश एंट्री लेना चाहते हैं वो 555 के ऊपर एंट्री लेकर के 595 का फर्स्ट टारगेट और देन 650 तक के टारगेट के लिए होल्ड कर सकते हैं, ओके। तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। और फ्रेंड्स, इन्वेस्टमेंट करने से पहले स्वयं का एनालिसिस और अपने फाइनेंशियल एडवाइजर की एडवाइस लेना ना भूलें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी को राधे राधे, राम राम।